थे तो तुम लोग का हाथ वाथ फ्रैक्चर हुआ था क्या? नहीं सर, एक फोकस रहता है लाइफ और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी होती है। फिजिकल एक्टिविटी से ऐसे ये रिसर्च हुआ है कि जब पसीना ज्यादा आता है तो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो फिर जो दूसरे उनका जो डाइवर्शन नहीं होता, जो अपने यहाँ खराबी में बहुत ड्रग्स वगैरह के चल रहा है तो उससे वो दूर होते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका ध्यान पूरा इस तरफ जा दूर होता है, बिल्कुल दूर होता है। और आपका जो कर रहा है उसका आपका जो समाज सुधार का जो ये है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं आगे आने आगे के वक्त में, जब अपना आपने जैसे कहा कि हाइजीन पे हम काम कर सकते, तो लोगों को बताने के लिए आपके बच्चे जो यूज ये करेंगे हम, और हाइजीन का बहुत बहुत मसला बहुत बड़ा है, उसमें हम काम करेंगे जरूर मिलके सब। और वैसे मैं और एक कहानी कहना चाहूंगी कि बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, अपने धारावी का स्किल तो इतना अच्छा है कि इंटरनेशनल लेवल है, तो उनके लिए बहुत बहुत और एक बहुत कहावत है ना कि कोयले में ही हीरे मिलते हैं, और ये बच्चों को देखने के बाद जब वो चालू करता है वो बिट बॉक्सिंग तो ऐसे लगता है कि पीछे से वूफर्स चालू हो गए, माइक से ये पूरा जीरो से ऐसे लगता है, ऐसे लगता है स्पीकर्स चालू। ऐसे ही तुम काम करो, बहुत अच्छा है, तुम्हारे इस कलाकार के कला से माध्यम से तुम लोगों को ये करना चाहते हो, अवेयर करना चाहते हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि अपने आगे आने वाले मैं आगे जीत के आई या नहीं आई, लेकिन फिर भी आगे हम ऐसे करेंगे कि धारावी के अपने यहाँ एक हिप हॉप फेस्टिवल जरूर रखेंगे। ज्योति भाई क्या कहना चाहेंगे आज धारावी के छोटे छोटे कलाकारों के साथ में मुलाकात भी कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये दिखते छोटे हैं लेकिन काम में बड़े बड़े हैं वो, क्योंकि उनका जब काम देखा आपने भी देखा होगा कि वो कैसे कैसे स्टाइल कर रहे हैं, और एक हिप हॉप के माध्यम से वो समाज प्रबोधन भी कर रहे हैं, रैप के माध्यम से भी समाज प्रबोधन कर रहे हैं, और उनका जो मकसद है बहुत साफ है और अच्छा है। और इस जो ये डांस फॉर्म है या जो कर रहे हैं उससे दो काम होते हैं, एक तो मेडिटेशन का भी काम होता है, एक फोकस हो जाता है लाइफ के प्रति, और दूसरा उनका जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो रहे हैं, तो वो जो दूसरे उनके अट्रैक्शन होते हैं बच्चों के इस उम्र के, यानी जो ड्रग्स वगैरह जो ये चल रहा है उससे भी वो दूर चले जाते हैं, तो उनका जो फोकस है वो माइंड यहाँ चला जाता है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं उनको मिलने को आई। वो जो हमारे बच्चे हैं वो ये स्टार्स है, और वो इनका जो एक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल का है, तो उनको कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, इसलिए हम ये इनको प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। वर्षाताई जैसे गुण गौरव करती है, यानी वहाँ हम एजुकेशन का ये करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो यहाँ हम डांस को भी उनके जो उनका जो फॉर्म है डांस का हिप हॉप को उसको प्रमोट करना चाहते हैं। ज्योतिताई को कला से कितना प्यार है? हाँ, कला से बहुत प्यार है, मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे देखना तो अच्छा लगता है, मुझे दूसरी कलाएं आती है थोड़ी सी ड्राइंग वगैरह, लेकिन ये डांस वगैरह मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे देखना, और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो वहाँ के बच्चे भी ऐसे बहुत सारे करते हैं फेस्टिवल, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, और ये बच्चे तो हमारे अपने हैं, और मुझे पता है कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो आवाज़ जो बीट बॉक्सिंग का निकाल रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था वो कहाँ से आवाज़ निकाल रहे, और उसका डांस फॉर्म भी आप देखेंगे तो वो इतना टफ डांस फॉर्म वो बच्चे इतने इजीली कर रहे थे, ऐसे एफर्टलेस कर रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा है कि अपने बच्चों में इतना टैलेंट छुपा हुआ है जो लोगों के सामने आना ज़रूरी है, इसलिए ये फेस्टिवल का हमने सोचा है। हम सब एक है।